शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कियारा जी आई है। तो कियारा जी, अभी आपसे पहले इन्होंने साड़ी पहनने की कोशिश की थी, इसने तो सबसे घटिया पहनी थी साड़ी। ना साले से शो संभलता है ना साड़ी संभलती है, पता नहीं क्या होता है। अर्चना जी, अगर आप चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। हाँ, तो चलिए कियारा जी, कुछ कहना चाहेंगी? बस बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी नहीं है। कियारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपके आने के बाद ये और भी गंदे लगने लगे। ऐसी गंदी साड़ियां पहनी तुम लोगों ने। चलो भैया, तुम लोग पीछे चलो। चलो 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 भाई, एक बार जोरदार तालियां हमारे सब आ जाएंगे। कियारा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे शो पे आ जाइए आप। वैसे यहाँ की लाइट ही ऐसी है, सब प्यारे लगते हैं। जब भी कोई आता है प्यारे लगते हैं। Actually, honestly, I want to thank you all because I think after a long time there's a show that's so happy and that we're all looking forward to. Awesome. So I think thank you, Kiara. A big, big round of applause to you all. अच्छा भाजी, लॉकडाउन में ना दो तरीके के इंसान हो गए हैं। एक तो यहाँ तो बिल्कुल फिट हो गए, तो यहाँ काम ही खराब करके आए बाहर कई, है ना, फैल गए हैं कई लोग। पर मैंने देखा है कियारा जो है तो और मतलब हमेशा ही ब्यूटीफुल रही हैं और भी प्यारी लग रही हैं आप। अब क्या किया फिर आपने लॉकडाउन में? Well, जैसे सभी ने कुछ ना कुछ नया सीखा है इस लॉकडाउन में, तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। जी। सर के जो दादा है वो हमेशा ये लड्डू बनाते थे। मेकअप दादा? मेकअप, मुझे लगा दादा। He used to make these really yummy लड्डू। दादा जी? नहीं, मेकअप दादा, सॉरी। तो व्हेन बुर्ज खलीफा सॉन्ग, और उस वक्त जब भी सर ये लड्डू खाते थे, I used to have a bite from his and I started missing it afterwards. So I said, let me learn how to make these. So it's a modified version. It's a little contemporary version. Laddu, then it became a cookie. And I got for all of you. I just heard ki thoda muh meetha bhi ho jaye. जब आप इतना सारा कुछ बोल रही थी ना इंग्लिश में, मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, मेरे को मजा बड़ा आ रहा था। खा लोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हमारे यहाँ पे ना जब किसी को लड़की बिस्कुट खिलाती है तो शादी ही होती है। It is super super healthy. एक्चुअली टेस्टी बहुत है, खुद बनाए हैं अपने हाथों से। इनको टेस्ट तो करा दिया, अब ये ऑर्डर देंगी आपको कि 2 किलो अगर बना के मेरे घर भेज दो। मैं वही सोच रही थी, साइड बिजनेस शुरू कर दो लड्डू से एंड कुकीज के। एक्चुअली वेरी नाइस, इट्स सुपर हेल्दी, बस नो शुगर नो ग्लूटेन, मैंने खुद बनाए हैं। वाह, कसम से। मैं मेरी बीवी को बताना चाहता हूँ, कियारा आडवाणी के हाथ के लड्डू खा रहा हूँ। रेसिपी नीचे लिख लूंगी। लड्डू नहीं है, मैंने देखा कहाँ है, उनके हाथ से आया सीधा मुंह में गया। पर ये मुंह में काफी देर रहता है, अंदर जाने में टाइम लग रहा है। उनके पीछे पीछे केला खा ले, जल्दी निकल जाएगा। कियारा, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एंड यमी कुकी। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा पाजी के, मैं जैसे बता रहा था आपके आने से पहले कि पाजी के यहाँ पे सिल्वर जुबली हो चुकी है, लेकिन जब आप नहीं भी आते हो तब भी आप किसी ना किसी रूप में यहाँ पे रहते हो, या तो आपका जिक्र होता है, या मैं आपको दिखा देता हूँ एक और वीडियो है। यू नो वन थिंग अबाउट अक्षय, जब वो चलते हैं ना और जिस तरह हग करते हैं, वो मतलब आदमी को हिला देता है। एक्चुअली आई टेल यू हाउ, और जो मैं हग कर चुका अक्षय को, अच्छा कपिल के साथ एक खासियत है रोहित शेट्टी में, वो अक्षय कुमार का जो वॉक है ना वो परफेक्टली कर पाते हैं। सर हो जाए, सर हो जाए, सर कानून डिमांड कर रहा है, कानून देखना चाहते हो आप? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली अक्षय कुमार। सोने में
ऐसे फोन चलता है? 30 साल से सुबह 4-4 बजे उठ के मैं इतना नहीं उठा जितना ये लॉकडाउन में उठ गए। 4 बजे उठ के करते क्या है आप? मैं देखता हूँ कौन कौन सो रहा है, फिर मैं उन लोगों का काम छीन लेता हूँ। एक काम करो, ये रोहित को तो बुला नहीं सकते, इस वक्त है नहीं, ये रितेश नहीं बुला सकते, इसको बुलाओ, कृष्णा को बुलाओ। कृष्णा डू द वॉक। एक बात बता कृष्णा, तुझे तेरा मामा कम पड़ गया था जो तू मेरे पीछे पड़ गया? हाँ सर, लॉकडाउन था। हाँ लॉकडाउन के बाद ये पहला एपिसोड था। तो मैं, मेरी याद आई, मैंने तो सर लॉकडाउन के बाद किया 4 दिन पहले। हाँ। कप्पू ने किया, कप्पू का भी दिखाइए। तो लॉकडाउन खुला थोड़ी है, मेरा भी लॉकडाउन चल रहा है। सर 4 दिन पहले किया है। दिखा ये मैंने कुछ भी नहीं किया। कपिल फंसा। अच्छा पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी हुई थी, हुमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय भाजी के साथ। वाह वेरी ब्लेस्ड है आप। मतलब मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शूटिंग करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल सर करते हैं। और आपको तो पता है अक्षय सर कैसे हैं, वो फट से गए हम लोग और पिक्चर खत्म करके आ गए। क्या बात है, एक्चुअली एक्सू होता है अक्षय भाजी के साथ, डायरेक्टर आगे बोलता है पैकअप हो गया सर अब आप जा सकते हैं, कहते तुम निकलो ये दूसरी यूनिट वाले लोग हैं, वहीं पे दूसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने ना। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, इस शो में ये लोग इतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूँ। इस शो के अंदर मैं ही रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तू तो बाद में मिलना बेटे, यहाँ वहाँ तो तू मिलेगा ही कहीं ना कहीं। ओके सर। बट अक्षय आई वांट टू आस्क यू, जब लोग तुम्हें कॉपी करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है कि आप अपने आप को देखते हो उनमें कॉपी करते हैं? मैं ऐसे चलता नहीं हूँ। ये मैं मुझे नहीं पता कौन सा है, ठीक है वो उसके अंदर एक हील का जरूर रहेगा, शायद हो सकता है हील हो सकता है। हाँ। लेकिन मतलब मैं और आवाज, हाँ भाई आवाज निकाल। मैंने कब निकाली पाजी? अभी निकाली ना, ये लोग डबिंग में करते हैं। बता निकाल निकाल। हाँ देखिए आप लोग एहतियात रखें। आपको पता है अर्चना जी, क्यारा की अक्षय पाजी के साथ ये दूसरी फिल्म है, तो आपको ये फिल्म का कैरेक्टर बहुत पसंद आया कि आपको भी सुबह 4 बजे उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यू आर स्पॉइल्ड व्हेन यू वर्क विद अक्षय सर, क्योंकि आई मीन दूसरे सेट पे यू गो एंड यू थिंक कि अच्छा यू नो 6 बजे पैकअप हो जाएगा ऑल ऑफ दैट। वैसे अब हम कभी 4 बजे नहीं उठे। अच्छा जी। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम संडे को भी शूट करे, क्योंकि सर ने कहा कि यू नो लॉकडाउन में इतने दिन सर ने नहीं कहा, आपने कहा कि आप बैठे थे इतने दिन। वो तेरा आदमी को पूछ, वो बोलता है कि 20 तारीख को लड़की को जाना है सर, 18 को कर लो। ये वो आदमी है, वो स्टूडेंट, वो देख वो कम बोलना नहीं, झूठ मत बोलना। सर एक्चुअली तू कितनी फिल्में करेगी अब? सो आई सेड सर आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, आई हैव टू लाइक लिव अप टू हिज स्टैंडर्ड। कमाल है ये, यही हर शो में जिन्होंने मुझे लॉन्च किया उन्होंने लॉन्च किया और निकल जाती है कहीं। बड़ा मजा आ रहा है, उससे पहले कि और बातचीत करें पाजी आइए, क्यारा आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां अक्षय पाजी और क्यारा के लिए। अच्छा दिवाली पे आपको पता है लक्ष्मी जी घर आती हैं, यही रीजन तो नहीं पाजी लक्ष्मी दिवाली पे लेके आ रहे? ऐसा कभी सोचा नहीं था, पहले तो लॉकडाउन से पहले मतलब हमने ये सोचा था कि हम कब मार्च मई में आने वाले थे, बट लॉकडाउन की वजह से फिर हम आगे चले गए। पर वैसे पाजी जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है तो आपका तो पूरा कैलेंडर गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि आपके तो एक एक घंटे के हिसाब से। मेरा क्या कैलेंडर 21 दिन का ही होता है? नहीं तू खुद 365 दिन कमाए बिल्कुल, लेकिन मेरा कैलेंडर छोटा कर दे। मैंने सुना जो आपने अगले 5 साल में सब एड्स वेड्स की डेट दे रखी वो सारी आपने लॉकडाउन में कर डाली? कर दी, खत्म कर ली। कितनी एड शूट की पाजी आपने? मैंने करीबन 9 से 12 की हुई एड्स। इतनी तो जब देश चल रहा होता तब नहीं होती, आपने लॉकडाउन में 9 एड निपटा डाली। तो क्या हुआ यार इसमें क्या नहीं, तेरे को तो खुश होना चाहिए। मेरे को एक बात बता, तेरा पंजाबी भाई है, मैं नहीं करूं? नहीं नहीं मेरे को बहुत खुशी है भाजी, मेरे को तो कभी नजर नहीं आया तो खुश। नहीं भाजी मैं बहुत खुश हूँ, एक एड क्यारा अक्षय भाई ने करी थी, वो देख के मेरे को थोड़ा सा जेलसी हुई थी। कौन सी? एक थी
हाँ उसका ब्रांड एम्बेसडर पहले ये था, मैंने लिया नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वो मुझे दिया गया था, मुझे मालूम ऐसे चेहरे मत बनाइए तू। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, जितना ये आदमी इधर शो में लूटता है ना कोई नहीं लूटता। एक दिन मैं इसके घर गया था, इतना बड़ा घर मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा घर तो मेरा नहीं है। कितने लोग छत पे बैठ के पूरा सब डिजाइन कर रहे हैं, तेरी कितनी बड़ी छत है बता लो। फिल्म का ट्रेलर बड़ा कलरफुल और बड़ा एंटरटेनिंग है भाजी। तो बाकी के ट्रेलर क्या ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं? नहीं नहीं मतलब इतने सारे आपके शेड नजर आ रहे हैं। आपने पूछा था ना मुझे पहले कि मैं इस फिल्म की हिस्सा क्यों बनना चाहती थी। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई जेन्युइनली फील अक्षय सर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक की। इट्स इनसेन व्हाट ही डज। थैंक यू। पर इस फिल्म में तो आपके ऊपर किन्नर का भूत सवार हो जाता है, रियल लाइफ में आपके ऊपर किस चीज का भूत सवार रहता है? मेरे जो भूत है वो बदलते रहते हैं, लेकिन एक बात का भूत मेरे सर पर हमेशा सवार रहता है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से या तो नफरत करता है या उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देता। आज मैं आप लोगों को उनकी बात करना चाहता हूँ जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया जो जीने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन किसी एक वजह से हमने उनसे वो सम्मान और जीने का हक छीन लिया और उन्हें समाज से अलग कर दिया हम लोगों ने, जबकि ये सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा बनती आई है, हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों का हिस्सा बनती आई है, हमें आशीर्वाद देती है वो, और लोग इन्हें बदले में शगुन देते हैं, लेकिन शगुन के साथ साथ वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो इन्हें बचपन में नहीं मिला, जिनके ये सबसे ज़्यादा हकदार है। हिंदुस्तान के जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार ने भी इन्हें तीसरे जेंडर का मान्यता दे दी, लेकिन हम इन्हें कब मानेंगे? मैं पर्सनली कुछ ऐसे किन्नरों को जानता हूँ जो समाज में गरीब बेटियों की शादियाँ और पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। हर साल हम अपने फ़ोन को अपडेट कर देते हैं, गाड़ियाँ अपडेट कर देते हैं, राइट? Yes. लेकिन हम अपनी सोच कब अपडेट करेंगे? हम अपनी सोच को वहीं की वहीं रखी हुई है। आई थिंक वक्त आ गया है, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, ये जो फिल्म है मेरा तरीका है आप लोगों को बताने का कि मैं क्या सोचता हूँ। जानता हूँ कि पहली बार कोई एक्टर, कोई मेन स्ट्रीम एक्टर एक ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा है, बट इट वॉज एन ऑनर टू प्ले दिस रोल।